हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंफर्ट फूड्स बाय सरिता। आज हम बना रहे हैं वॉलनट और चॉको चिप कुकी, और वो भी एगलेस। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बोल में 1/4 कप गुड़ का पाउडर डालेंगे। इसके बाद डालेंगे 1/4 कप रूम टेम्परेचर का मक्खन। मक्खन सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो शक्कर के साथ बीट करना मुश्किल हो जाता है। अब हम गुड़ और मक्खन को अच्छी तरह बीट करेंगे जिससे ये क्रीमी हो जाए। इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। अब यहाँ 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब 1/2 कप गेहूं का आटा डालेंगे प्लस 2 टेबल स्पून आटा और डालेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 पिंच नमक का और 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से एक च्यूई टेक्सचर आता है। अब देखिए डो हमारा इकट्ठा हो गया है। अब यहाँ हम 1/2 टेबल स्पून के करीब बटर मिल्क डालेंगे। पहले 1 चम्मच डालेंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा और। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच और डाल दिया। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए डो हमारा अच्छी तरह इकट्ठा हो गया है। अब इसे हम 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1/2 घंटे के बाद डो को फ्रिज से निकालेंगे और उसमें चॉप किए हुए वॉलनट्स डाल देंगे। ये 4 डेट्स हैं, इन्हें भी चॉप करके डाल देंगे। अब एक आइसक्रीम स्कूपर से इसके राउंडल्स निकालेंगे और बटर पेपर पे डालते जाएंगे। कोई भी स्पून ले सकते हैं जिससे कुकी का साइज एक जैसा हो। अब हल्के हाथों से इन्हें प्रेस करेंगे। अब इनके ऊपर चॉको चिप्स लगा देंगे। अब कुकीज़ बेक करने के लिए रेडी हैं। ओवन को मैंने 180 डिग्रीज पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब इन्हें करीब 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। 10-12 मिनट के बाद ओवन पे नज़र रखेंगे और 15 मिनट के बाद देखिए हमारी कुकीज़ बनकर तैयार हो गई। ओवन से निकाल कर इन्हें 5 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद इन्हें बेकिंग शीट से हटाकर एक वायर रैक के ऊपर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए हमारी कुकीज़ बनकर तैयार हो गई और कितना अच्छा कलर आया है। अब तोड़ के देखते हैं। बाहर से क्रिस्प है और अंदर से सॉफ्ट। ऐसी ही कुकीज़ हमें चाहिए थी। कुकी डो के अंदर भी चॉको चिप्स डाल सकते हैं। मैंने अंदर वॉलनट्स और डेट्स डाल दिए और ऊपर से चॉको चिप्स लगा दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।